सोनाक्षी सिन्हा ने 23 जून को अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल के साथ घर पर फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स की मौजूदगी में सिविल मैरिज की थी। इसके बाद कपल ने ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी भी होस्ट की थी, जिसमें बॉलीवुड के काफी स्टार्स नजर आए थे। सोनाक्षी और जहीर को इस दौरान भारी ट्रॉलिंग का भी सामना करना पड़ा। अब सोनाक्षी ने पहली बार अपनी शादी पर रिएक्शन दिया है और कहा है कि उनकी जिंदगी इससे बेहतर कभी नहीं रही। शादी के बाद की जिंदगी के बारे में जूम टीवी से बात करते हुए सोनाक्षी ने कहा, ये कभी बेहतर नहीं रही। उन्होंने आगे कहा, इसकी खूबसूरती यह है कि मैं भी काफ़ी हद तक वैसा ही महसूस कर रही हूँ। मुझे खुशी है कि शादी से पहले मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, अब मैं उसी स्थिति में वापस आ गई हूँ। मैं काम पर वापस आकर बहुत खुश हूँ। इसी के आगे सोनाक्षी अपने मैरिड लाइफ को बेशक एंजॉय करती नजर आ रही हैं, लेकिन जहीर इकबाल के साथ इंटर रिलीजन शादी को लेकर उन्हें भारी ट्रॉलिंग का भी सामना करना पड़ रहा है। कपल ने अपनी शादी के दौरान नफरत और नेगेटिविटी से बचने के लिए अपनी सिविल मैरिज और रिसेप्शन की ऑफिशियल पिक्चर्स शेयर करते टाइम इंस्टा से कॉमेंट सेक्शन ही डिसेबल कर दिया था। वहीं ट्रॉलिंग के बीच सोनाक्षी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक क्रिप्टिक नोट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, कैसे पता चलेगा कि कब आवाज़ कम रखनी है या पूरी तरह से बंद कर देनी है। जब आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं तो कैसे जाने। एनवायरमेंट के प्रति गहरी चिंता पैदा करें, जियो और जीने दो। वहीं सोनाक्षी के पिता और एक्टर टर्नर पॉलिटिशियन शत्रुघ्न सिन्हा ने भी अपनी बेटी सोनाक्षी की जहीर इकबाल के साथ अंदर धार्मिक शादी का विरोध करने वालों और इसे लव जिहाद कहने वालों पर निशाना साधा था। उन्होंने टाइम्स नाउ से बातचीत में कहा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा, कहने वाले अगर बेकार बेकाम काज के हों तो कहना ही काम बन जाता है। उन्होंने आगे कहा, शादी दो लोगों के बीच एक बहुत ही पर्सनल फैसला है, किसी को भी इसमें इंटरफेयर या टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। मैं सभी प्रदर्शनकारियों से कहता हूँ, जाओ जीवन पाओ, अपने जीवन में कुछ यूजफुल करें और कुछ नहीं कहें। 100 न्यूज़ की रिपोर्ट।